Good morning, student. Today we are going to discuss your second chapter, linear equation in one variable. You have already studied in your last classes that linear equation and algebraic expression and equation. आपने algebraic जो expression और equation पढ़ी है उनमें कुछ difference होता है. That means firstly, if we talk about algebraic expression, what is expression? एक्सप्रेशन का मीन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी आपको एलिमेंट दिया जाए बट विदाउट साइन ऑफ इक्वल, विदाउट इक्वल साइन. आपके पास कुछ भी हो सकता है, 2x 5x प्लस 1, 3y प्लस 2, 5x क्यूब, कुछ भी, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन. ये आपकी एक्सप्रेशन. अब इक्वेशंस क्या होती है? जो इक्वेशंस होती है उसमें हमारे जो इक्वल का साइन है वो बहुत मैटर करते हैं. दैट मीन्स 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 10. दैट मीन्स यहाँ पे जो x की वैल्यू भी बताई जा सकती है. अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम यहाँ पे x की वैल्यू बता सकते हैं. ये आपकी इक्वेशन होगी, यहाँ पे आपके पास इक्वल का साइन होगा. सेम एज 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 10. आफ्टर सॉल्विंग इट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ y. और ये सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल है? सिर्फ इक्वल के साइन की वजह से पॉसिबल है. अगर हमारे पास इक्वेशन में इक्वल का साइन है, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में भी इक्वल का साइन है, तो वो हमारी इक्वेशन बन जाएगी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर एक्सरसाइज 2.1. फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 7. एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 7. फर्स्टली हमें क्या देखना है कि यहाँ पे इक्वल का साइन है. दैट मीन्स ये हमारी इक्वेशन है. लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं, तो उसका भी पता करने का एक तरीका होता है. यहाँ पे क्या होगा, आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो आपके पास आपकी इक्वेशन दी गई होगी उसमें जो आपके पास इंटीजर होगा, जो आपके पास वेरिएबल होगा, उसकी जो पावर होगी वो 1 होगी. यहाँ पे अगर 2x में देखा जाए तो 2x की पावर कितनी है? 1 है. दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है. लेकिन अगर आपका ये ऐसे होता तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा. बट लेकिन अगर यहाँ पे आपकी जो x की पावर है वो 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है. सेम एज अगर हम 2y प्लस 5t की बात करें, 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तब भी ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है. ऐसे ही आपको आपके टू एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन गिवन है. नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 7. यहाँ पे अगर इक्वल का साइन गिवन है तो यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. x यहाँ पे हमें क्या करना है कि 2 हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दैट मीन्स x के साथ जो कुछ भी प्लस और माइनस में जो आपकी वैल्यूज दी गई है हमें उस इक्वल के दूसरी साइड करना है ताकि हम इक्वल के इस साइड x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें. x इज इक्वल टू 7 प्लस 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 9. नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन इज y प्लस 3 इज इक्वल टू 10. हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? सिर्फ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम जो y के साथ जो भी वैल्यू से इक्वल के इस साइड ले जाएंगे. दैट मीन्स अगर ये वैल्यू इस साइड प्लस में है तो उस साइड किस में चली जाएगी? माइनस में हो जाएगी. आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई? 7. नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज 6 इज इक्वल टू z प्लस 2. हमें किसकी वैल्यू? सिर्फ z की वैल्यू फाइंड आउट करनी. दैट मीन्स हम 2 को इक्वल की इस साइन में ले आएंगे. यहाँ पे अगर ये प्लस का है तो इस साइड में आप लिए माइनस का हो जाएगा. 4 इज इक्वल टू जेड, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू 4. नाउ योर फोर्थ क्वेश्चन इज 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17/7. हमें के लिए एक्स की वैल्यू चाहिए. दैट मीन्स एक्स के साथ जो कोई भी डिजिट या नंबर है हमें उसे इक्वल के उस साइड ले जाएंगे. एक्स इज इक्वल टू 17/7. इस साइड में अगर इसे लेके जाएंगे यहाँ पे ये प्लस का है तो उस साइड में जाकर ये माइनस का हो जाएगा. 3/7 हमने एलसीएम लिया, दैट इज 7. 17 - 3 = 14/7. हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी गेट हुई हमें? 2.
Now your fifth question is, यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, यहाँ पे x के साथ क्या है हमारे पास 6 है। अगर कोई वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाकर डिवाइड में हो जाएगी, अगर डिवाइड में है तो साइड में जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगी, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी इक्वल की दूसरी साइड जाकर, और अगर यहाँ पे माइनस में है तो उस साइड में जाकर प्लस की हो जाएगी। ये वैल्यू अगर यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में थी 6 × x = 12, फिर दूसरी साइड जाकर हमारी डिवाइड में हो जाएगी, दैट मीन्स x = 2। Now your sixth question is t/5 = 2, that means हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, t की। अब यहाँ पे जो 5 है वो इसके डिवाइड में है तो उस साइड में जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगी, 10 × 5 that is 50। Now your seventh question is 2x/3 = 8, यहाँ पे हमें क्या देखना है, 2x जो 3 है वो इसके डिवाइड में है तो उस साइड में जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2x = 54। अब हमें क्या करना है, जो 2 है वो इस साइड में मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाकर हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा, 54/2 = x = आपका आंसर कितना है, 27। नाउ योर 8th क्वेश्चन इज, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो 1.5 है वो इसके डिवाइड में है तो इस साइड में आकर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आंसर गेट होगा, 240। बट 1 पॉइंट के हमारे जो 1 के बाद पॉइंट के बाद जो हमारे पास एक डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, दैट मीन्स 2 डिजिट के पहले हमारे पास पॉइंट आ जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2.4। नाउ योर 9th क्वेश्चन इज, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें x की लेनी है तो अकेला 7x रखेंगे, 9 को साइड लेके जाएंगे तो 16 के 9 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, दैट मीन्स 7x = 16 और 9 को 25। अब हमें सिर्फ x की फाइंड आउट करनी है तो 7 इसके मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। नाउ योर 10th क्वेश्चन इज, 14y - 8 = 13। फर्स्टली हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू यहाँ पे गेट करनी है तो इस इक्वेशन में y के साथ क्या है, 14, बट वो मल्टीप्लाई में उसके साथ में क्या है, 8 है, वो माइनस में है तो इस साइड जाके 13 के साइड जाके 8 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 14y कितना हो गया, 21। एंड y = यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इसे 7 के टेबल से कट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। ओके स्टूडेंट, योर 7, 11 and 12 क्वेश्चन इज सिमिलर टू योर ऑल क्वेश्चन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्रॉम 1 to 10, सो यू शुड ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। थैंक यू स्टूडेंट्स।